नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर विद्या में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पापड़ के बिजनेस के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये पापड़ बिजनेस की वीडियो सीरीज का पहला पार्ट है, जिसमें हम जानेंगे पापड़ बिजनेस क्या है, पापड़ बिजनेस को कैसे शुरू करें, पापड़ बिजनेस के लिए लाइसेंस और परमिशन कहाँ से लें, पापड़ बिजनेस में कितना लागत लगता है, पापड़ बिजनेस के लिए ऋण कहाँ से लें, और साथ ही पापड़ बिजनेस में कौन कौन से मशीन का उपयोग होता है। दोस्तों, सामान्यतः पापड़ का उपयोग नाश्ता एवं भूख जगाने वाले खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। वर्तमान समय में घरेलू पापड़ की बहुत अधिक डिमांड है। आज भी लोग हाथ से बने पापड़ खाना पसंद करते हैं। खाने में छप्पन भोग हो और पापड़ ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसके अलावा नाश्ते के रूप में पापड़ खाने का बहुत चलन है। पापड़ का बिजनेस वैसे तो काफ़ी पुराना है, लेकिन आजकल इस मॉडर्न युग में यह घरेलू बिजनेस काफ़ी बढ़ चुका है। ऐसे में आप भी इस बिजनेस को करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अगर आप पापड़ का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इन छह चीज़ों को जानना आपको अति आवश्यक है, जिसमें पहला है पापड़ का बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना, दूसरा पैसे का प्रबंध करना, तीसरा मशीन का प्रबंध करना, चौथा कच्चे माल का प्रबंध करना, पाँचवा पापड़ की उत्पादन की ट्रेनिंग लेना, एवं छठवा पापड़ को बेचना। पापड़ का बिजनेस खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ बिजनेस है, इसलिए उद्यमी को एक कंपनी बनाकर BIS एवं FSSAI इत्यादि की लाइसेंस लेनी चाहिए, और साथ ही उद्यमी को अपने ज़िले के उद्योग विभाग से अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहिए। पापड़ के बिजनेस की लाइसेंस के लिए उद्यमी को निम्न डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। पहला, आवेदक की पासपोर्ट साइज फ़ोटो। दूसरा, आवेदक की योग्यता प्रमाण पत्र। तीसरा, राशन कार्ड पहचान पत्र एवं बिजली बिल। चौथा, उद्योग शुरू करने वाली जगह की रजिस्ट्री की कॉपी। पांचवा, यदि ज़मीन किराए की है तो किरायानामा, अगर किसी रिश्तेदार के नाम पर ज़मीन है तो NOC। छठवा, 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र। पापड़ के बिजनेस को उद्यमी दो तरीके से कर सकता है। पहला तरीका, जिसमें उद्यमी छोटे लेवल पर घर में ही अकेले पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू कर सकता है, जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उद्यमी को लगभग 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। दूसरा तरीका, जिसमें उद्यमी बड़े लेवल में पापड़ का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे 5 से 10 लोगों की ज़रूरत होगी और 1 से 1.5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। इसके लिए उद्यमी लोन लेकर अपने पापड़ के बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। पापड़ उद्योग के लिए ऋण किसी भी बैंक से लिया जा सकता है। इसके लिए आप प्राइवेट स्तर पर या सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के तहत नज़दीकी बैंक से ऋण ले सकते हैं। उद्यमी यदि खादी ग्रामोद्योग से ट्रेनिंग ले रहा है तो वहां से भी लोन लिया जा सकता है, या अपने एरिया के बैंक से भी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।